भगवान श्री कृष्ण के वो उपदेश जो देते हैं जीवन में सफल होने का संदेश। जी हाँ, हे रसावियंस, आप लोगों को आज मैं वो 5 से 6 मंत्र बताने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए, जिससे आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हो। बस वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें, हम आपको वो 5 मंत्र अभी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया पहला संदेश कि हर मनुष्य में कुछ ना कुछ खूबी होती है, मगर बस उसको अपने उस हुनर को पहचानने की ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो उस हुनर को पहचान लेता है वो जीवन में सफलता को प्राप्त होता है। तो आपको ये बात समझ आई हो तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मंत्र की तरफ। सुनिए, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह मन शत्रु के समान हो जाता है। जी हाँ, इसका अर्थात ये है कि आपको अपने मन को अपने नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। तो ये था दूसरा मंत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया। अब हम बात करते हैं उस तीसरे मंत्र की, जो सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है, जिसको आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। तो बात करते हैं आगे। तीसरा मंत्र, हमें खराब हालतों में हार मानने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। डर का सामना करने से हमारे हार का डर हमारे मन से खत्म हो जाता है। तो कभी ना हार मानने की ये सलाह भगवान श्री कृष्ण देते हैं तीसरे पॉइंट में। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया चौथा सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र, भगवान कहते हैं कि जीवन में हार जीत लगी रहती है, मगर सफलता केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो अपनी गलतियों से, हार से अब सीख लेकर आगे बढ़ता है अपनी जीवन में। तो ये था चौथा पॉइंट। पांचवें पॉइंट बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको मिस मत करिए। ये पॉइंट आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए पॉइंट में सर्वाधिक शक्तिशाली पॉइंट है। तो सुनिए, किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए उसके लिए एक प्रॉपर रणनीति बनाना बहुत आवश्यक है। बिना रणनीति के आपकी हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो सकते। तो पांचवा पॉइंट हमें ये बताता है कि हमें हर परिस्थिति के लिए एक ना एक रणनीति बनाना अति आवश्यक है। आप लोगों को ये 5 पॉइंट अगर जीवन में कारगर लगे तो हमारे चैनल पे लाइक एंड कमेंट करके जाइए, हम ऐसी वीडियोस आप लोगों तक और पहुंचाएंगे। टिल देन बाय, जय श्री राम। कमेंट करके जाइएगा। बाय, जय श्री कृष्ण।